So, last lecture we have studied all the structures of the flower, okay, the male structure and the female structure in detail. Now we are going to study in this lecture pollination, the types and the agencies of pollination. Now talking about pollination, what is the basic meaning of pollination? Transfer of pollen grains. Okay, so pollen grains kahan se kahan pe transfer hote hai? From the anther to the stigma of the flower. Pollination ye sabse pehla initial step hai and essential step hai. Iske bina fertilization hoga hi nahi, aur fertilization nahi hoga to seed formation nahi hoga. And this pollination process was first described by Camerarius in the year 1694. Now what are the types of pollination? पॉलिनेशन के दो मेन टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी बोलते हैं. ऑटो मतलब विद इन द फ्लावर, ये जनरली होता है. एंड क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी बोलते हैं, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स उस फ्लावर के अंदर नहीं गिरते हैं बट वो किसी और फ्लावर के ऊपर जाके गिरते हैं. ओके, then self pollination is basically transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower. This is one possibility. Another is, ya fir it is transfer to the different flower but of the same plant. So both the points are included in the definition. Then self pollination, according to this definition, you have three ways of self pollination. Abhi definition mein do ways hi hai, the third way is thoda sa different, isliye usko alag se mention kiya hai. Okay, talking about transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flower rahega, to usko autogamy, actual mein autogamy bolte hai. Matlab usi ka pollen grain usi ke stigma pe gir gaya. Okay, aur ye generally kis mein hoega? Bisexual flowers mein, jin mein male aur female parts dono hote hai. Example is pea plant. Okay, vatane ka jhaad. Then next to that is gaitinogamy. It is another type of self-pollination, we can say. गेटिनोगैमी में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बट दूसरे फ्लावर पे, मतलब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा बट बोथ द फ्लावर्स बिलोंग टू द सेम प्लांट, इसलिए जेनेटिक्स उनका सेम है. एग्जाम्पल इज कुकुरबिट्स में ऐसा होता है. देन द थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन विच इज स्लाइटली डिफरेंट इज, जब पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर produced on one plant to the stigma of another flower on another plant. Okay, तो यहाँ पे plant ही totally अलग, दो अलग plants हैं और उनके individual एक एक flowers हम लोग consider कर रहे हैं, but the plants have a similar genetic makeup, मतलब the plants both are either produced by vegetative reproduction, इसलिए दोनों का genetic makeup exactly same है. तो it doesn't matter now कि उसका एक का pollen grain दूसरे flower का दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके गिर रहा है, लेकिन दोनों जेनेटिक्स में एग्जैक्टली सेम है. सो स्टिल इट इज, इट बिकम्स सेल्फ पॉलिनेशन ओनली. देन सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ अ श्योर मेथड, क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल पार्ट्स नियर बाय ही है, सो देर इज लीस्ट चांसेस ऑफ फेलियर. एक्सटर्नल एजेंट्स का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है. वी कॉन्ट सी ज़ीरो, बिकॉज अगर ये दूसरे फ्लावर पे गिरना है तो विंड के थ्रू एंड ऑल इट हैज़ टू गो. सो दैट्स वाई एक्सटर्नल एजेंट्स लेस इन्वॉल्वमेंट है. और बाइसेक्शुअल फ्लावर्स है तो उसका पोलन ग्रेन उसी के अंदर उसी के स्टिग्मा पे गिर रहा है, तो विद इन द सेम फ्लावर है तो नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स ओनली. देन इकोनॉमिक मेथड है, क्योंकि प्लांट को कम एनर्जी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उसको एजेंट्स को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो द फ्लावर्स डोंट हैव टू बी लार्ज और अट्रैक्टिव, या फ्रैग्रेंस या नेक्टर नहीं बनाना पड़ता, सो प्लांट एनर्जी इज सेव, दैट्स वाई इट इज सेट टू बी इकोनॉमिक मेथड. फिर पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज भी कम होता है, बिकॉज पोलन ग्रेन्स उधर के उधर ही गिरने वाले हैं, अगर हवा के साथ उड़ के जा रहे हैं दूर किसी और प्लांट पे गिरने के लिए एंड ऑल, तो ज़्यादा वेस्टेज का चांस है, क्योंकि वो नेसेसरी नहीं कि वो प्लांट पे ही जाएंगे, इधर उधर गिर सकते हैं. बट देन यहाँ पे द वेस्टेज इज लीस्ट, वी कांट से जीरो बट इट इज लीस्ट. देन इम्प्रूव्ड वराइटीज ऑफ प्लांट्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाई प्रिजर्विंग द डिजायर्ड कैरेक्टर्स. ओके, मतलब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से उस प्लांट का जो बेस्ट कैरेक्टर्स है वो उसी में मेंटेन रहेगा. ओके, सो यू कैन प्रिजर्व द डिजायर्ड कैरेक्टर्स, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में सेम कैरेक्टर जाएगा, सो जेनेटिक स्टेबिलिटी रहती है इन द प्रोजेनी. सो दिस इज द एडवांटेज.
And what is the disadvantage of self-pollination? कि unfortunately you can't form hybrids. यहाँ पे new variations तुम लोग दो genetic combinations नहीं करवा पाओगे अलग से. And कभी कभी disadvantage ये भी है कि undesirable, unwanted character जो है उस plant का वो eliminate नहीं कर पाओगे या कोई नया character, desirable one, उसमें introduce नहीं कर पाओगे. Then self-pollination अगर कई generations तक होता है, that is called inbreeding, what we say inbreeding depression. तो अगर कई generations तक उसी plant का pollen grain उसी की stigma पे गिरता रहा और वही same genes आगे combinations में जा रही है, तो what happens is later on the progeny, यानी कि the next generations after many generations will become weaker, okay? उसका susceptibility to disease will increase, उसके number of seeds कम बनेंगे, उसका viability, survivability कम रहेगा, उसका productivity भी कम हो जाएगा, and it will be less adaptable to the climatic changes, and that's why the chances of it becoming weak and perishing increases. So inbreeding होना चाहिए, but inbreeding longer duration तक हुआ तो it can lead to inbreeding depression even in animals. So same ways for plants also. Then the another disadvantage is since there are no two different genetics mixing over here, there is no chances of variations or no chances of evolution. So this is all regarding self-pollination.